Hello, my dear children. Today we are going to start with class 7 science, chapter number 7, that is transportation in animals and plants. So let's begin the chapter. In this chapter, your main aim will be transport of substances in animals, circulatory system in human beings, excretion, transport of substance in plants. Have a look on warm up, children. Label the parts of the human body in the given diagram that are important for the blood circulation. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है. वन इज ब्लू इन कलर, वन इज रेड इन कलर एंड देयर इज एन ऑर्गन. तो ये ऑर्गन क्या है? ये है हार्ट. तो ये जो ब्लू कलर की आपको ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये है वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. और जो रेड कलर की ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, ये है आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स. नाउ चिल्ड्रन, यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ एनिमल्स. वन आर यूनिसेल्युलर एनिमल्स एंड वन आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, जैसे कि अमीबा. तो इनके अंदर क्या है भाई, डाइजेशन भी वही सेल करेगा. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी उसी सेल के द्वारा ही होगा. सो दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. अब किसका ट्रांसपोर्टेशन कराना है भाई? डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस का. जो आपने फूड इनगल्फ किया था, उस फूड से जो आपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव किए हैं, उनको आपको हर पार्ट में पहुंचाना है. तो ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स का होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा एक्सक्रीटेड सब्सटेंसेस का जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है. तो ये सभी काम अमीबा के अंदर उसका सिंगल सेल ही करता है. बट इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपको पता है ये मल्टीसेलुलर होते हैं. तो मल्टीसेलुलर होते हैं तो इनके जो बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, या फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्सक्रीटेड मटेरियल का. सो लेट्स डिस्कस देम. इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामेशियम, ऑल द वाइटल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल अकर्स थ्रू डिफ्यूजन विद इन द सिंगल सेल. दस नो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन सच ऑर्गेनिजम्स. Plants and animals are multicellular, made up of millions of cells. The life processes are complex, requiring specific organs to perform specific function. To carry out these functions, living cells in plants and animals need nutrients, oxygen, water, and some more substances. Additionally, cells must eliminate waste products generated during these functioning. तो दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल. ऑल वर्टिब्रेट्स हैव ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो जितने भी एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स. जिनके पास वर्टिब्रा है, दोज एनिमल्स आर वर्टिब्रेट्स. तो उनके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब कि ब्लड ही सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बनता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है सारे सब्सटेंसेस के, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर वेस्ट मटेरियल ही क्यों ना हो. इट ऑल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द एंटायर बॉडी. टू कैरी आउट दीज टास्क द ब्लड मस्ट सर्क्यूलेट थ्रू आउट द बॉडी कॉन्स्टेंटली. इसीलिए बच्चों, आप अपने हेड से लेके टो तक देख लीजिए, कहीं पे भी चोट लगती है तो वहां से ब्लड ऊज आउट होता है. दैट मीन्स आपके हेड से लेके टो तक ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट हो रहा है. हर पार्ट में ब्लड प्रेजेंट है. तो हर पार्ट में जितना भी मटीरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड के द्वारा ही किया जाता है. The process of heart continuously pumping blood through the blood vessels to various part of the body and back to the heart is called blood circulation. तो blood circulation में blood कहाँ से चल रहा है, blood को कौन pump कर रहा है? Heart. तो heart में blood store नहीं होता, heart is just a pumping organ. ये blood को pump करता है, oxygenated blood को पूरी body में भेजता है और deoxygenated blood को ये lungs में भेजता है.
Circulatory system in human beings. In human beings, a transport system is needed to carry out substances like carbon dioxide, oxygen, nutrients to different part of the body. This transport system is called circulatory system. इसे ही हम circulatory system बोलते हैं. और इस ये किस किस के लिए responsible है? भाई nutrients का distribution करना है, हर cell तक खाने को पहुंचाना है ताकि उसका oxidation हो सके. उसके बाद हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है ताकि वो फूड को ऑक्सीडाइज कर सके. उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसे बॉडी से बाहर फेंकना है तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करना है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस विद इन द बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस इनसाइड द बॉडी. द सर्क्यूलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस मेनली ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट्स. क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? ब्लड है, हार्ट है और ब्लड वेसल्स है. तो सबसे पहले बच्चों हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं. तो ब्लड क्या है? इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड. ये एक फ्लूइड है जो आपके हेड से लेके टो तक सर्कुलेट होता है. और ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? भाई जो खाना आपने खाया वो डाइजेस्टेड फूड को ये सर्कुलेट करने में हेल्प करता है. उसके बाद ऑक्सीजन को हर सेल में पहुँचाता है. देन कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है उसे वापस लंग्स तक लेकर आता है. लिक्विड वेस्ट जो बॉडी में है प्रोड्यूस हुई है उसे किडनी में लेकर जाता है ताकि उसका भी फिल्टरेशन हो सके और यूरिन की फॉर्म होके वो किडनी से बाहर की तरफ को थ्रो किया जा सके. इन एन एवरेज यू आर हेल्दी एडल्ट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज अबाउट 1/11 ऑफ द बॉडी वेट. टिपिकली द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एवरेज ह्यूमन एडल्ट इज बिटवीन 4 to 5 liter. इतना ब्लड जो है ये आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. द ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड. अब ब्लड के अंदर भी एक फ्लूइड होता है. भाई ये क्यों है? लिक्विड फॉर्म में क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. अब प्लाज्मा जो होता है ये येलोइश कलर का होता है और इसमें 90% वाटर होता है. जितने भी ब्लड के सेल्स हैं लाइक RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो भी है ये सब ही प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं. प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. इट इज येलोइश इन कलर एंड कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ वाटर. इट हैज फूड वेस्ट एंजाइम्स डिसॉल्व इन इट. प्लाज्मा इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड. तो सबसे पहले कौन कौन से सेल्स हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं? सबसे पहला सेल है RBC. RBC को हम रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं या एरिथ्रोसाइट्स. साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं. अब ये डिस्क लाइक की शेप होते हैं एंड इज इन्फ्यूज्ड विद अ रेड पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. अब RBC का कोई आपसे पूछने चले कि रेड ब्लड सेल्स नाम है तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रेड कलर के हैं. अब रेड क्यों है? बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट. एक लाल रंग की पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. नाउ दिस हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हीमोग्लोबिन एज द नेम सजेस्ट दो चीजों से मिलके बनी है, हीम प्लस ग्लोबिन. हीम मींस आयरन एंड ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन. इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको ज्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, पालक खानी चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे आपको आयरन मिलेगा. प्रोटीन लेना चाहिए ताकि आपका हीमोग्लोबिन अच्छे से फंक्शन कर सके, हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में अच्छे से बन सके. नाउ हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन का बेसिक फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है ऑक्सीहीमोग्लोबिन. यही ऑक्सीहीमोग्लोबिन है जो हर सेल तक पहुँचता है, वहाँ ब्रेक करता है, ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेता है और उसको ये लेके जाता है फिर लंग्स तक ताकि उसका प्योरिफिकेशन, ब्लड का प्योरिफिकेशन हो सके, वापस से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर आ सके. यानी कि ब्लड के साथ जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ऑक्सीजन दोबारा से अटैच हो सके. विच इम्पार्ट द कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर टू द ब्लड. हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन फैसिलिटेटिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस वाइटल गैस विद इन द ब्लड स्ट्रीम. Without hemoglobin, cells would be deprived of oxygen, which could lead to anemia. अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आप एक डिजीज से अफेक्ट होंगे, दैट इज कॉल्ड एज अनेमिया. जिसे कहते हैं ना खून की कमी हो गई, तो वो खून की कमी नहीं, हीमोग्लोबिन की कमी है.
तो इसको आप कैसे पूरा कर सकते हो? बाय ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. प्रोटीन का इंटेक अपनी डाइट में अगर आप बढ़ाते हैं तो हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो नॉर्मलाइज हो सकती है. द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अप्रोक्सीमेटली 120 डेज. रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज का होता है. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन एरिथ्रोसाइट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड. तो आप देख सकते हो कि आरबीसी की क्वांटिटी कितनी ज्यादा होती है पर माइक्रोलीटर्स. इसके बाद आते हैं बच्चों व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं एंड दे बेसिकली प्रोवाइड इम्यूनिटी टू योर बॉडी. इम्यूनिटी से मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है तो WBC उसके साथ फाइटिंग करते हैं और उसको फिनिश ऑफ करने में हेल्प करते हैं बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस. द मेन फंक्शन इज टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट कॉज वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज विच इज वाई दे आर कॉल्ड एज सोल्डर्स ऑफ द बॉडी. WBC comes in different type with different shapes and lifespan, or there are about 5,000 to 10,000 leukocytes per microliter of the blood. तो आप देख सकते हो WBC जो है वो कम होते हैं as compared to RBC, लेकिन इनका size जो है वो RBC से बड़ा होता है. Platelets. Now, platelets are very important component of the blood which help in the clotting of blood. आपको कहीं पे भी चोट लग जाती है जहां से खून निकलने लगता है तो आप वहां पे क्या देखते हो कि वहां पर एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस जो है वो क्रिएट होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लॉट. तो ये क्लॉट का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स हो. अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है तो और आपको चोट लगती है तो आपका क्लॉट नहीं बनेगा एंड यू कैन इट कैन लीड टू योर डेथ बिकॉज ऑफ द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड. प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड एट द साइट ऑफ वूंड और इंजरी विच हेल्प्स टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस. दे आर मच स्मॉलर इन साइज देन RBCs. अ पर्सन कैन ब्लीड टू डेथ इफ देयर प्लेटलेट काउंट इज वेरी लो. If platelet counts fall below 10,000 per microliter, it can lead to dangerous internal bleeding. Now, next component of the circulatory system is the blood vessels. अब हमारी बॉडी में बच्चों तीन टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सबसे पहले हम आर्टरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चों. आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लड को लेकर जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से सारी बॉडी के ऑर्गन्स तक लेकर जाने का काम करती हैं आर्टरीज. अब आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, यानी कि प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, सिवाय एक आर्टरी के जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. तो आर्टरीज का क्या मेन फंक्शन है? ये ब्लड कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. तो क्योंकि इनके अंदर ब्लड जो है हार्ट से डायरेक्टली पंप हो रहा है तो जो ब्लड है वो हाई प्रेशर पे जाएगा, तो ब्लड जो है इनमें बहुत तेजी से फ्लो करता है. इसीलिए जो इनकी वॉल्स होती हैं वो काफी थिक होती हैं, इनका जो ल्यूमन होता है वो काफी ब्रॉड होता है ताकि ब्लड जो है इजिली इनके थ्रू फ्लो कर सके. द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? द ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन. हार्ट पंप्स ब्लड एट हाई प्रेशर इन टू द आर्टरीज. दिस ब्लड एक्सर्ट्स हाई प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज सो दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स दैट कैन स्ट्रेच एंड श्रिंक एज द ब्लड फ्लोज रैपिडली थ्रू देम. आर्टरीज फर्दर डिवाइड इन टू स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड आर्टीरियोल्स विच देन ब्रांच इज इन टू द कैपिलरीज. फिर आती हैं आर्टरीज आर जनरली लोकेटेड डीप अंडर द स्किन. बच्चों ये हमें ज़्यादातर विजिबल नहीं होती एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ आर वेस्ट. आपको वेस्ट पे मिल जाएगी, टेम्पल पे मिल जाएगी, अलोंग द साइड ऑफ योर नेक पे. ये आप इजिली देख सकते हो. द सेंसेशन ऑफ ब्लड रशिंग थ्रू देम कैन बी फेल्ट एट एनी दीज लोकेशन. आप यहाँ पे अपनी पल्स देखते हो, हाथ रखते हो अपने वेस्ट पे,
तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे थॉबिंग साउंड्स प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि हार्ट जो है हमारा बीट कर रहा है. दिस थम्पिंग सेंसेशन इज नोन एज पल्स एंड इंडिकेट्स हाउ फास्ट द हार्ट इज बीटिंग. इसके बाद आती हैं बच्चों वेन्स. अब वेन्स क्या हैं? वेन्स जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन नहीं होती. तो ये क्या करती हैं, ये डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को उठाती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उसे लाके हार्ट में पंप करती हैं. एक्सेप्ट वन वेन विच इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन. सिर्फ एक पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. वेन्स हैव वॉल्स दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. तो यहाँ पर आप ये देखते हो कि जो वेन्स होती हैं उनमें वॉल्व भी प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, उसका बैक फ्लो ना हो जाए. देन वी हैव कैपिलरीज. कैपिलरीज जो होती हैं एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड सॉल्युबल फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. तो आप यहाँ देखो, ये है आर्टरीज का स्ट्रक्चर, दिस इज वेन, और इनको कनेक्ट कर रही हैं हमारी कैपिलरीज. डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन चिल्ड्रन, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आर्टरीज जो है ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती हैं और वेन्स ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती हैं. आर्टरीज आर डीप साइटेड लेकिन वेन्स आर सुपरफिशियल. वेन्स आप अपने हैंड्स में देख सकते हो. दे कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और दे कैरी ब्लड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. दे आर थिक वॉल्स. इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं. दे हैव नो वॉल्स प्रेजेंट इन देम, लेकिन यहाँ पर वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. हार्ट. अब एक हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसे हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं. ये हमारे फिस्ट के साइज का होता है एंड इट इज लोकेटेड इन बिटवीन आर टू लंग्स. हमारे लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट. इट इज सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. इसीलिए हमें लेफ्ट में हार्ट जो है वो फील आउट होता है. ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ फोर चेंबर्स. अब हार्ट के चार चेंबर्स होते हैं. ऊपर वाले दोनों ही चेंबर्स को हम एट्रिया बुलाते हैं, राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट एट्रिया. इसका सिंगुलर या हम इसको एट्रियम भी कह सकते हैं. और नीचे वाले दोनों ही चेंबर्स को हम बुलाते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड अ लेफ्ट वेंट्रिकल. और इन दोनों को ही सेपरेट एट्रियम, दोनों ही एट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है एक सेप्टम. और इनके बीच में लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. तो चिल्ड्रन जो हमारा राइट एट्रियम है ना, यहाँ पर आके गिरता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पूरी ही बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन्स कैरी करके लेकर आती हैं वो डालती हैं हमारे राइट एट्रियम में. अब राइट एट्रियम के बाद जैसे ही ये फुल हो जाता है, ये अब ये रिलैक्स करेगा, ये कंट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से ये वॉल्स खुल जाएंगे और ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आके गिरेगा. अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आ जाता है तो ये वॉल्व्स बंद हो जाते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. अब यहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसे हमारी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेके जाएगी कहाँ पर, लंग्स में फॉर देयर प्यूरिफिकेशन. और पूरी बॉडी से, लंग से जो प्यूरिफाइड ब्लड आया है यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो आके गिरता है लेफ्ट एट्रियम में. अब लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आ जाता है तो फिर ये वॉल्व्स खुल जाते हैं और ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है. सिमिलरली यहाँ पर भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लोज आउट हो जाते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी ही बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द लार्जेस्ट ब्लड वेसल जिसका नाम है ऑर्टा. ऑर्टा ही आगे जाके ब्रांच करती है आर्टरीज में और डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज ब्लड को आगे लेके जाती हैं. तो लाइक दिस आप देख सकते हो कि हमारी जो सर्कुलेशन है वो दो टाइप में जाके फिनिश होती है. इसीलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है.
Heart is a muscular organ associated with the circulatory system. It is situated in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. Human heart consists of four chambers. इसके अंदर दो अपर चैम्बर होते हैं जिसको एट्रिया बुलाया जाता है और लोअर टू चैम्बर्स जिनको हम वेंट्रिकल बुलाते हैं. लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द राइट पार्ट बाय अ सेप्टम. तो फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, बच्चों इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन में क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. सिर्फ हार्ट का एक ही काम है कि ये ब्लड को पंप करता है और ये पूरी जिंदगी चलता है. हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं करता. अगर हमारा हार्ट रुक गया तो हमारी लाइफ का भी द एंड हो जाएगा. ब्लड सर्क्यूलेट्स थ्रू आउट द बॉडी बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स. हार्ट मसल्स को और क्या बोलते हैं बच्चों, कार्डियक मसल्स. हार्ट पंप्स द ब्लड टू द लंग्स एंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. When the heart relaxes, the right atrium receives deoxygenated blood from different part of the body through veins, which then flows into the right ventricle. Right ventricle pump deoxygenated blood through pulmonary artery to the lungs for oxygenation. At the same time, left atrium receives oxygenated blood from the lungs through pulmonary vein. तो हमारी pulmonary artery तो blood लेकर गई है lungs तक, और लंग्स से हार्ट में जो प्योरिफाइड ब्लड आ रहा है वो लेकर आई है पल्मोनरी वेन. ब्लड फ्रॉम एट्रिया मूव्स टू रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्स. वंस द वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद ब्लड द वॉल्स क्लोज. तो यहां आप देख सकते हो इन्होंने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में हमारा सर्कुलेशन जो है वो एक्सप्लेन किया है. Heart contracts, oxygenated blood from left ventricle is pumped out to different parts of the body through aorta. The aorta is the largest blood vessel in our body. This is how cardiac cycle continues. Each cardiac cycle, blood flows twice through the heart. So, to sum it up, during relaxation, deoxygenated blood aata hai body ke andar. Jitna bhi deoxygenated blood hai, puri body se collect karke kahan dala jata hai? राइट एट्रियम में. फिर राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू द वॉल्स. फिर वॉल्स क्लोज हो जाते हैं. फिर यहां से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी. कहां लेके जाती है, लंग्स तक फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड. अब जब ये ऑक्सीजनेशन हो जाता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे पिक करती है पल्मोनरी वेन और कहां लेकर आती है, लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम का वॉल्व खुलता है और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डाल दिया जाता है. अब ये वॉल्व फिर से क्लोज हो जाते हैं. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लार्जेस्ट आर्टरी विच इज कॉल्ड एज ऑर्टा. ड्यूरिंग कंट्रैक्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंट टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट इज सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ हार्ट बीट. Heart pumps the blood into the body. To perform this pumping action, it contracts and relaxes continuously. तो हमारा जो heart है वो continuously contraction और relaxation show करता है और यही rhythmic contraction और relaxation जो है इसे हम बोलते हैं heart beat. इसकी sound को हम सुन सकते हैं which is lub dub sound by using an instrument which is called as stethoscope. A stethoscope is a device that amplifies the sound of the heartbeat. It consists of a chest piece. इसके अंदर एक chest piece होता है, एक diaphragm that contains a diaphragm और two ear pieces होते हैं और बीच में लगी होती है एक tube. Pulse. When the blood flows from the heart, rushes into the artery. जब हमारा blood जो है heart से arteries में जाता है तो बच्चों वो एक pressure के through flow करता है और जिसकी वजह से एक थ्रॉबिंग साउंड क्रिएट होती है और इसे ही हम बोलते हैं पल्स. इसे हम अपने वेस्ट पे इजीली फील कर सकते हैं, अपनी नेक में फील कर सकते हैं और अपने टेम्पल में भी फील कर सकते हैं. द हार्ट बीट एंड पल्स रिलेटेड टू ईच अदर. ईच हार्ट बीट जेनरेट्स अ पल्स इन द आर्टरी. द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स इन अ मिनट इज कॉल्ड एज हार्ट रेट. और एक अडल्ट हेल्दी ह्यूमन अडल्ट का जो हार्ट रेट है वो 72 से लेकर 80 टाइम्स पर मिनट होता है. एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइजिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग इंक्रीजेस द हार्ट रेट.
Simple animals like hydra and sponges do not have well-developed circulatory system. भाई अब ये कैसे हैं? है तो ये multicellular लेकिन ये बहुत simple organisms होते हैं, इसीलिए इनके अंदर well-developed transportation system जो है वो नहीं होता. Water enters the blood cavity of these animals, bringing in nutrients and food material while carrying away waste material and carbon dioxide as it moves out. Now, have a look on activity, children, to examine the pulse rate. Place the middle and index finger on the right of your left wrist. आप कहीं पे भी touch करके देखेंगे तो you will be able to feel the throbbing sound. You will be able to feel the throbbing movement or the pulse under your finger. Count the number of pulse in 1 minute. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी आपका हाथ पकड़ के बैठता है ना, तो वो क्या करता है, वो एक मिनट में आपका हार्ट कितने टाइम्स बीट कर रहा है ये कोशिश करता है देखने की. Repeat this activity 2 to 3 times. Observation: the pulse rate of a healthy person is 72 to 80 times per minute. Children, have a look on track your progress. Fill in the blanks. The heart has dash chambers, 2 dash and 2 dash. The heart has 4 chambers. तो इसमें 2 होते हैं एट्रिया और इसमें 2 होते हैं वेंट्रिकल्स. The normal heartbeat of a human being is 72 to 80 per minute. The pulmonary artery कैसा ब्लड कैरी करती है? Deoxygenated. The rhythmic contraction and relaxation of heart is called heartbeat. Now children, transport of substances in plants. तो ऐसा नहीं है कि transportation system सिर्फ animals के अंदर work करता है, plants के अंदर भी transportation of material होना होता है. जैसे कि आप देखते हो gaseous exchange कहाँ से होता है? Stomata के through होता है. अब root से पानी को absorb करना है और leaves तक लेकर जाना है for the purpose of photosynthesis. तो इसके लिए भी तो हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए. अब प्लांट्स के हाथ तो होते नहीं है कि वो पानी की बाल्टी भरें और लीव्स तक लेके जाएं, तो उनके अंदर ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं वैस्क्युलर बंडल्स, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स. अब वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जाइलम, और फूड जो प्लांट में प्रोड्यूस हुआ, लीव्स में जो फूड बना है उसे पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं अनदर वैस्कुलर बंडल्स जिनको हम बोलते हैं फ्लोएम. मोस्ट प्लांट्स हैव वैस्कुलर सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब फ्रॉम बाय द रूट्स एज वेल एज फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. द वैस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नैरो ट्यूब्स. एक को हम बोलते हैं जाइलम और दूसरे को बोलते हैं फ्लोएम. These tubes occur in bundles. The xylem and phloem bundles form separate networks that spreads through the entire plant. The leaf veins contain xylem and phloem bundles. Excretion in plants and animals. Life activities taking place in our body produce waste products. Children, जो हमारा डाइजेशन होता है उससे भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं. हमने फूड का ऑक्सीडेशन कराया उससे भी वेस्ट मटेरियल जो है वो जनरेट होता है, और इस वेस्ट मटेरियल को हमें हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दे कैन प्रूव टू बी वेरी फेटल. इसीलिए हमें इसे अपनी बॉडी से बाहर फेंकना ही होता है. तो उसके लिए भी, एक्सक्रीशन के लिए भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है वो प्लांट और एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. These waste products are usually toxic, and if they are not removed in timely manner, they may result in disorders in the body or even prove fatal. Removal of these waste material is essential for maintaining proper health and life activities. The process of removal of waste material from your body is called as excretion. तो अब कौन कौन से waste materials हमारी body में produce होते हैं? भाई सबसे पहले तो carbon dioxide ही है. कार्बन डाइऑक्साइड कब बनी? जब हमने रेस्पिरेशन किया, फूड का ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी. अब कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने का काम करते हैं लंग्स थ्रू ब्रीदिंग. फिर आता है लेफ्ट ओवर वेस्ट फ्रॉम द फूड. जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल रह गया है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको हम फीकल मैटर भी बोलते हैं, उसको हम बॉडी से रिमूव करते हैं थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एज एनस.
urine, urea, uric acid, ammonia, water, excessive salt, and unused broken down protein, including dead cells, are filtered from the blood by the kidney and is excreted as urine. तो जो यूरिन होता है उसके अंदर यूरिया भी प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, अमोनिया, वाटर, डेड सेल्स, ये सब चीज़ें यूरिन के अंदर प्रेजेंट होती हैं. तो यूरिन क्या है? एक्चुअली ये एक पेल येलो कलर का लिक्विड है जिसके अंदर ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट है. आप यूरिया ले लो, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब क्या है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट है. द रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज एसेंशियल, अदरवाइज द ब्लड बिकम्स टॉक्सिक. उसके बाद स्वेट. बच्चों कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड या फिर यूरिया और इवन सॉल्ट्स, जो एक्सेस सॉल्ट्स बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उनको रिमूव करती है हमारी बॉडी थ्रू हमार स्किन. हमारी स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ही काम करती है जो एलिमिनेट करती है स्वेट को. गर्मियों में जब आप वाइट शर्ट पहनते हो तो आप अपनी अंडर आर्म्स में क्या देखते हो कि आपकी जो शर्ट है वो येलो हो जाती है. इसका मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट में यूरिया जो है वो आपकी बॉडी से बाहर फेंका गया है द फॉर्म ऑफ स्वेट. स्वेटिंग हेल्प्स टू कीप द बॉडी कूल. एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. तो चिल्ड्रन जो एक्सक्रीटरी मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हम ह्यूमंस के अंदर है, दैट कंप्राइजेस ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज. दो किडनीज होती हैं हमारी, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा. तो लेट्स डिस्कस एक्सक्रीटरी सिस्टम इन डिटेल. नाउ यू कैन सी द एक्सक्रीटरी सिस्टम हियर चिल्ड्रन. यू हैव टू बीन शेप्ड किडनीज विच आर प्रेजेंट इन द अब्डोमेन, और इन किडनी से निकलती हैं दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं यूरेटर. अब किडनी जो है वो बनी होती हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं. बहुत सारे नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आर किडनी विच हेल्प इन फिल्टरिंग द ब्लड एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो जो यूरिन किडनी के अंदर प्रोड्यूस होता है वो यूरेटर के थ्रू, ये जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है इनके थ्रू भेजा जाता है यूरिनरी ब्लैडर में. अब यूरिनरी ब्लैडर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, और जब ये पूरा फिल हो जाता है यूरिन से तो यू हैव अ फीलिंग ऑफ गोइंग टू द वॉशरूम. तो आपको ऐसे लगता है दैट यू हैव टू गो एंड पास आउट द यूरिन फ्रॉम योर बॉडी. और जब आप जाते हैं तो फिर यूरेथ्रा से, दिस इज द ओपनिंग थ्रू विच द यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम योर बॉडी. द किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन्स लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट. Each kidney contains a large number of coiled tubes called as nephrons. तो nephrons ही क्या होते हैं? Structural and functional unit of kidney होते हैं जो blood को purify करते हैं. Nephron का detail structure आप अपनी higher classes में पढ़ेंगे. Nephron act as a filter to remove waste products from blood that reaches the kidney. The useful substance are while into the blood reabsorbed, the filtrate containing waste products forms the urine. Narrow tubes called ureter arise from each kidney, carry urine to the urinary bladder where it is stored. The urine is excreted out from the body through an opening at the end of urethra. Healthy person pass about 1.5 to 2 liters of urine daily. Urine ke andar kya kya present hota hai? Iske andar 95% water hota hai, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. नाउ चिल्ड्रन, अगर किसी की किडनीज खराब हो जाती हैं तो दे आर नॉट एबल टू फिल्टर द ब्लड. वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती हैं एंड यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता. ऐसे केस में डॉक्टर उन्हें डायलिसिस की सलाह देता है. When two both the kidneys of a person stop functioning due to injury or infection, toxic materials begin accumulating in the blood. These toxic materials are then removed with the help of artificial kidney called as dialysis machine. This process is known as dialysis. तो हम dialysis machine को as a क्या refer करते हैं? Artificial kidney. During dialysis, blood from an artery in the arm is passed through a dialysing machine where waste materials are removed. Filtered blood is then returned to the patient's body through a vein. Dialysis needs to be carried out periodically. तो ये आपको जाकर करवाना पड़ता है जो हमारी बॉडी में नेचुरली हो रहा है. अगर आपकी किडनीज खराब हो जाती हैं तो ये आपको डॉक्टर के पास जाके डायलिसिस करवाना पड़ता है.
The machine used for dialysis is known as a dialyser. A selectively permeable membrane is used in dialyser to separate urine and toxic material from larger protein molecules in the blood. Blood from the patient's vein is passed into dialyser through a tube made of cellulose and an injecting needle is attached to it. फिर क्या होता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और जो वेस्ट जेनरेटेड होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है और जो टॉक्सिक फ्री ब्लड है उसे वापस से बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम थ्रू अनदर ट्यूब. नाउ स्वेटिंग बिसाइड्स किडनी, चिल्ड्रन हमारी जो स्किन है, हमने जैसे अभी डिस्कस किया था, स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है विच हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट. It excretes excess of water, urea and salts and other metabolic waste in the form of sweat through the sweat glands present in the skin. As sweat evaporates, जैसे ही sweat आपकी body से evaporate होता है तो आपको एक cooling sensation आता है. इसकी वजह से ही हमारा जो body temperature है वो cool down रहता है. Sweating helps cool down our body when it is very hot. Now have a look on an activity to prove that leaf veins help in transport of substances in plant. इसके लिए हमें material क्या क्या चाहिए, red food color, freshly plucked firm green leaf with leaf stalk and a glass container. Procedure क्या है इसका, take the red food color solution in a glass container and immerse the leaf stalk in it. Leave the setup undisturbed for an hour. तो हम क्या देखते हैं कि leaf के अंदर जो ये veins हैं ये रेड कलर की हो जाती हैं. दैट मीन्स दिस रेड सॉल्यूशन हैज बीन अब्सॉर्ब्ड बाय द लीफ. ऑब्जर्व द लीफ आफ्टर एन आवर, हैज द कलर सॉल्यूशन रिजन इन द लीफ, डू द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ द लीफ ट्रांसपोर्ट वाटर, तो यस वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. ट्रांसपिरेशन मेक्स वाटर राइज इन द जाइलम ट्यूब्स. नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन चिल्ड्रन, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. जितना भी पानी आप, जैसे कि अपने गमलों में आप पानी डालते हो और तेज धूप होती है, उसके बाद आप आके देखते हो कि भाई मिट्टी भी सूखी होती है और प्लांट्स की लीफ भी ड्रूप डाउन कर जाती हैं, तो ये पानी गया कहाँ. दिस वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. जितना भी पार्ट ऑफ द प्लांट एयर की प्रेजेंस में है वहां से वाटर का लॉस होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. और जैसे ही आपकी बॉडी से स्वेट उड़ता था और आपको कूलिंग इफेक्ट देता है ना, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपिरेशन से जो पानी, वाटर जो इवेपोरेट हो रहा है प्लांट बॉडी से, वो प्लांट बॉडी को कूल रखने का काम करता है. ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर फ्रॉम देयर लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर. ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव. ऑलमोस्ट 90% ऑफ वाटर दैट रूट्स अब्सॉर्ब इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन. Evaporation of water from leaves generate a pull that draws water and dissolved nutrients up to tip of even very tall trees. तो इसे ही हम बोलते हैं ascent of sap. आप ये देखो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और उनकी जड़ें कहाँ होती हैं, जमीन में होती हैं. तो ये transpiration ही है जिसकी वजह से जब पानी evaporate होता है एक pull create होता है जिसकी वजह से इतनी डीप साइटेड रूट्स में भी पानी जो है टिप ऑफ द टॉल ट्रीज तक पहुंचाया जाता है. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप. जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट. सिमिलरली फ्लोएम फॉर्म्स लॉन्ग ट्यूब्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो कि लीव्स ने प्रोड्यूस किया है उसे प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम. And this process is called as translocation. Phloem tubes are also called sieve tubes. Advantages of transpiration. बच्चों transpiration ही वो है जो एक suction pull create करता है, एक force create करता है जिसकी वजह से पानी जो है वो root से absorb होते हुए tip of the plant तक पहुंचाया जाता है. Transpiration creates a suction pull that helps draw water up to great heights in tall trees. As water is evaporated by transpiration, more water is absorbed through roots, adding to the transport of water and minerals from soil to the leaves. It helps protect the plant cell from heat of the sun. क्योंकि ये cooling sensation देता है,
इस वजह से ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. जैसे ही प्लांट्स के अंदर पानी फिल होता है तो वो टर्गिड हो जाते हैं, जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. नाउ हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रन. डैश इज अ वैस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट. बताओ क्या है इसका आंसर. यू ऑल नो इट नाउ. इट इज फ्लोएम. In the process of dash, water is lost from the leaves in the process of transpiration. The coil tubes that act as filter in the kidney are called nephron. Urine is stored in urinary bladder. Dash machine is also known as artificial kidney, a dialysis. Now have a look on Clickipedia children. The world's first human to human heart transplant was performed on December 3, 1967 by a team of 30 doctors headed by Professor Christian Bernard, an old man in Cape Town, South Africa. The first heart transplant in India was performed on 42-year-old Devi Ram on August 3, 1994 by Dr. Venu Gopal and his team at AIIMS, Delhi. The amount of blood that reaches the heart is only 70 ml, but it returns to heart 72 times in a minute. So the total amount of blood that reaches the heart in a day is 7200 liters. The heart beats over 100 to 1000 times in a day and pumps 5 liter of blood per minute. An English physician, William Harvey, discovered the circulation of blood. Although he was initially ridiculed, his discovery was later accepted as a biological fact. Wonder Box children, in the year 1628, William Harvey first described circulation of blood in human body. He explained that the heart pumps blood throughout the body by its contractions. In those days, most people believed that liver converted digested food into blood, which was then used by the body to do work. Dr. Christian Bernard, he was the South African doctor who performed the world's first heart transplant at Gostes Cure Hospital, Cape Town. After a decade of heart surgery, Bernard and his team were well equipped to perform the 9-hour long operation. Look at the keywords children. Artery, a blood vessel that carries oxygen-rich blood from heart to various parts of the body. Vein, a blood vessel that carries carbon dioxide-rich blood to heart from cells. Capillary, a fine blood vessel that facilitates gaseous exchange in the tissues. Heartbeat, rhythmic contraction and relaxation of the heart. Stethoscope, a device used to amplify the sound of the heart. Hemoglobin, a red pigment in RBCs that carry oxygen to the cells. Platelets, a type of blood cell that helps in clotting during injury. Plasma, fluid component of the blood. Have a look on review zone children. Tick the correct option. First question says, which element of the blood does help in clotting? So you all know the answer. It is platelets. Which pigment is responsible for red color of the blood? It's hemoglobin. Which type of cell fight against germs that enter our body and protect from disease? White blood cells. Which organ filter waste products from the blood? It is. Which tissue is responsible for transport of water in plants? It is xylem. Fill in the blanks children. Arteries and veins are joined by a network of capillaries. The fluid portion of blood is called plasma.
Blood flows through the arteries at high pressure. The upper two chambers of heart are called atria. The contraction and relaxation of heart is called heartbeat. State whether the following statements are true or false. Roots absorb water through root hair and then it moves through xylem tissue and is carried to various parts of the body. This is true. Veins have walls to prevent backflow of deoxygenated blood. Bilkul sahi baat hai. This is also true. Arteries divide further into small vessels called veins. Nahi. Arterioles mein divide karti hai wo. Lungs remove excess of water, salt, urea and uric acid in the form of sweat. False. A person can bleed to death if his or her platelets become very few. This is true. Name the following. The only artery that carry deoxygenated blood. This is pulmonary artery. Fluid part of the blood is called as plasma. A device used to amplify the sound of the heart, this is called as stethoscope. The process of removal of waste from the body is called as excretion. Excretion. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.